Hey friends, assalamu alaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मजेदार सी बनने वाली रेसिपी जो बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही जबरदस्त लगती है, स्पेशली फॉर किड्स. ये बहुत जबरदस्त एग सैंडविच है, या इसे कह लीजिए बहुत ही जबरदस्त टोस्ट भी है. सो चले अपने किचन में फ्रेंड्स, ये पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं यहाँ पे क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट विद एग्स. बहुत ही जबरदस्त बनता है. मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है और ब्राउन ब्रेड को हमें इस तरह से अंदर से कट करना है. ये हम अभी इसका कट करके वो स्लाइस निकाल देंगे. इस तरह से हमें रखना है. ये बहुत क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट है, स्पेशली फॉर बिजी मॉम्स जो अपने बच्चों को बेस्ट ब्रेकफास्ट देना है हमें, फुल प्रोटीन रिच. एंड इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त बनता है. सो इस तरह से अभी हम निकाल देंगे. मैंने यहाँ लिया है दो अंडे. दो अंडे एक बोल में हम इस तरह से ब्रेक करके डाल देंगे. अब हमने इसमें सब वेजिटेबल्स ऐड करनी है. तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने बारीक चॉप की है, जिसमें जाएगा शिमला मिर्च, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितना तीखा चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटोज, एंड मैंने यहां पर बारीक कटा हुआ कैबेज भी लिया है. सो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और वेजीज अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं. अब इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. मैंने यहां पर लिया है हमारे देसी घर के मसाले, दैट इज धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, बहुत थोड़ा थोड़ा हमें डालना है, रेड चिली पाउडर, ताकि उसमें एक अच्छा फ्लेवर, एक टेस्ट ऐड हो जाए, ब्लैक पेपर पाउडर जो अंडे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देता है, एंड सम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स टू मेक इट अ गुड टेस्ट, और काफी कलरफुल भी हो जाता है. अब इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे, एक बीटर की हेल्प से या फिर आप एक स्पून की हेल्प से अच्छे से उसे बीट करना है हमें. दैट्स इट, हमारा मैरिनेशन जो एग का है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है. नाउ लेट्स मेक दिस ब्यूटिफुल लवली ब्रेकफास्ट इन मिनट्स. सबसे पहला एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें अभी हम ये स्लाइस ब्रेड जो है, जो कट किया हुआ किनारा है वो रख के इसमें एग का बैटर डाल देंगे. इसे अच्छे से ऊपर तक का फिल करना है हमें. That's it. Now going to add little cheese, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस तरह से बने हुए हमारे एग ब्रेड सैंडविच के लिए. That's it. और जो स्लाइस अभी हमने कट किया है वो इस पे रख के थोड़ा प्रेस कर लेंगे, और उस पर अभी हमें थोड़ा सा बटर डालना है. तो इस तरह से हम एक स्मॉल पीस ऑफ बटर उस पे रख देंगे, और इसे अभी हम कवर करके रख देंगे से अराउंड 3 मिनट्स टू 4 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए चीज, और फिर हम उसे फ्लिप कर देंगे. सो फ्रेंड्स, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिनट्स. अभी हम इसे कर देते हैं अच्छे से फ्लिप. यस, एक साइड अच्छे से टोस्ट हो चुका है, परफेक्ट हो गया है एकदम. आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर भी आया है. बस नेक्स्ट साइड को भी हमें अराउंड 2 मिनट्स इसी तरह से अच्छे से टोस्ट करना है, थोड़ा कवर करके. साइड भी हो गया है, सी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया है, अच्छा क्रंची है.
काफी चीज है इसके अंदर, सो ये एग सैंडविच काफी चीजी और बहुत ही जबरदस्त बनता है। योर किड्स आर रियली गोइंग टू लव दिस इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड डेफिनेटली इट्स फॉर एग लवर्स। तो ये बहुत क्विक एंड ईजी वे में भी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यू नो यू नीड टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट राबियाज किचन 10। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।